हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में जो है वो मैंने आरके शर्मा के चैप्टर कवर कर लिए थे 1 to 5 और फिर 6 to 10 की क्या क्या जो है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और क्या क्या जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो वो आपको प्री के लिए पढ़ने हैं। ठीक है ना, मैंने सिर्फ प्री के लिए जो है वो आपको डिस्कशन किया था। आज जो है वो हम कवर करेंगे 11 to 15। उसके बाद जो है वो ये पूरी बुक जो है वो मैं ख़त्म कर दूंगा 102 दिन में। तो आप लोग जो है वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज जो है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं 11 to 15, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पिछले वीडियो में जो है वो मैंने आपको चैप्टर 1 to 10 जो है वो ख़त्म कर दिए थे। आज इस वीडियो में जो है वो मैं चैप्टर 11 to 16 आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 11 जो है वो लगभग आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री में। अगर आपको जो है वो स्किप करना हो तो आप लोग जो है वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो आपका इंसेक्टिसाइड से बताया गया है और इसमें से प्री में जो है वो क्वेश्चन नहीं बनते। तो प्री के लिए जो है आपको अगर स्किप करना है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हम देख रहे हैं कि डिजीज़ ऑफ क्रॉप्स एंड देयर कंट्रोल मेजर्स। ठीक है ना, ये जो है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक जो है वो आपको कवर करना पड़ेगा। और चैप्टर जो है वो छोटा सा ही है, तो प्री के लिए जो है वो आप लोग पढ़ सकते हैं चैप्टर 12। अब बात करते हैं हम चैप्टर 13 की। देखिए, चैप्टर 13 में क्या है कि प्लांट फिजियोलॉजी, वाटर रिलेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री, ट्रांसपिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, ये सब जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, फोटो रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, तो ये सब जो है वो इंपॉर्टेंट इतना तो नहीं कह सकता, लेकिन ये सब जो है वो आपको टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे फोटो पीरियडिज्म क्या होता है, वर्नलाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना, ट्रांसपिरेशन क्या क्या चीज़ कहलाती है, फोटो रेस्पिरेशन जो क्या चीज़ कहलाती है, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमारे एंजाइम्स कौन से हो गए, ठीक है, और विटामिन, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये टॉपिक जो है वो थोड़े से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की। देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग हो गया, ठीक है ना, कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, एवरेज साइज ऑफ माइक्रोम्स हो गए। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि ये चैप्टर जो है वो हमारे लिए शुरुआत में इम्पॉर्टेंट है, नहीं, क्योंकि हमने जो है वो पिछले कुछ टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कशन किए थे कि प्री में जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने हैं एग्रीकल्चर में। तो ये चैप्टर जो है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है प्री एग्ज़ाम के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर की। देखिए, हॉर्टिकल्चर जो है वो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे जो है वो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। तो हॉर्टिकल्चर चैप्टर जो है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं इसमें जो है वो आपको टॉपिक्स नहीं बता सकता, क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो है वो लगभग आपका पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है इस बुक से। मानता हूँ कि चैप्टर 15 जो है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 15 चैप्टर जो है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे रो के पढ़िए या हंस के पढ़िए, लेकिन चैप्टर 15 जो है वो आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर 16 की। देखिए, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आप इसमें चैप्टर 16 में देख सकते हैं कि ज़्यादातर इनने जो है वो कंप्यूटर का बता दिया गया है। अगर आपने जो है वो ऑलरेडी किसी बुक से जो है वो कंप्यूटर का पढ़ लिया है नाबार्ड के लिए, तो इस चैप्टर को जो है वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है वो किसी भी बुक से कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, तो इसमें जो है वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो दे रखे हैं, लेकिन इसको जो है वो चैप्टर को मैं इस बुक से पढ़ना जो है वो कभी भी रिफर नहीं करूंगा। आप लोग जो है वो कंप्यूटर की या तो अरिहंत खरीद लीजिए या फिर किरण की कोई भी बुक खरीद लीजिए कंप्यूटर क्लियर करने के लिए। कंप्यूटर का जितना भी पोर्शन पूछा जाएगा वो जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से मत पढ़िएगा, कंप्यूटर की कोई जो है वो दूसरी बुक ले लीजिएगा, जैसे अरिहंत हो गई या फिर किरण की हो गई। तो आज हमने ख़त्म कर लिए चैप्टर नंबर 11 to 16। कल हम ख़त्म करेंगे चैप्टर 17 to 21। तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।